पुलिस में उखाड़ पिछाड़ शुरू। आरपीओ मुल्तान मलिक अबू बकर खुदाबख्श का तबादला कर दिया गया। एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग पुलिस कमर शाहरुख खान को आरपीओ बना दिया गया। अम्मारा अथर डीपीओ बहावल नगर तायुनात, जबकि इमरान याकूब डीपीओ डेरा गाजी खान के ओहदे पर फायल। मियांवाली के रिहायशी 50 साल मोहम्मद हयात में कांगो वायरस की तस्दीक। मुतासा मरीज को वायरस के शुभ में कल रात बीएचक्यू अस्पताल लाया गया। वायरस की तस्दीक होने पर सर्विसेज अस्पताल लाहौर रेफर कर दिया गया। शेख जायद अस्पताल रहीम यार खान के इमरजेंसी वार्ड में 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 40 मरीज दाखिल। 40 मरीजों में 16 बच्चे, 11 मर्द और 13 खवातीन शामिल। डॉक्टर्स का शहरियों को गैर मायारी अशिया खाने से परहेज का मशवरा। ईद कुर्बान की आमद, मुल्तान की जिले इंतजामिया की गैर जिम्मेदारी। दूसरे जिला से लाए जाने वाले जानवरों पर शहर में दाखिले से पहले हिफाजती स्प्रे के लिए लाइफ स्टॉक का अमला गायब। चेक पोस्ट पर तैनाती अमले की नाहली, फर्जी रिपोर्टें बनाने लगे। स्प्रे न होने से जानवरों में चिचड़ और कांगो वायरस फैलने का खदशा। डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर सप्टेन का नोटिस, अमले की गैर हाजिरी पर कार्रवाई का हुक्म। पैसको की नाअहली ने एक चिराग गुल कर दिया। मियांवाली के इलाके नूरपुर में मौजूद घर की छत पर 11 केवी बिजली की लटकती तार ने 10 साल हैदर की जान ले ली। अहले खाना गम से निढाल, एसडीओ फैसको। फैसल हुसैन का अहले खाना को घर की गलत तामीर का ताना। एसडीओ का वाकई की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार। डीजी खान में मैपको की गफलत के बायस घंटाघर में रोड पर झूलती बिजली की तारें हादसा को दावत देने लगी। राहगीरों को आते जाते हादसे का खतरा। शहरियों को हुकाम से मसले के सदबाब का मुतालबा। चीन में फंसे भक्कर के 3 नौजवानों समेत पाकिस्तानियों के हवाले से अर्ज खुद नोटिस केस की समाप्त। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तमाम अपराध को 6 अगस्त से पहले वापस लाने का हुक्म। अदालत ने शाहीन एयरलाइंस के मालिक को 7 अगस्त को तलब कर लिया। कोई भी गैर महफूज जहाज मुसाफिरों के लेने ना भेजा जाए, चीफ जस्टिस के रिमांड। कोर्ट अद्दू से कामयाब आजाद उम्मीदवार शबीर कुरैशी और मुजफ्फरगढ़ के हलका पीपी 270 से कामयाब आजाद उम्मीदवार आलमदार कुरैशी की बनीगाला में इमरान खान से मुलाकात। दोनों उम्मीदवारों ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली। इमरान खान ने दोनों उम्मीदवारों को मफलर भी पहनाए। बहावलपुर के हलका पीपी 245 से जीतने वाले मलिक जहीर चन्नड़ की लाहौर में अपने वालिद के हमरा सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुलाकात में साबिक सुजाई वजीर मलिक इकबाल चन्नड़ और एनए 171 से नौ मुंतखब उम्मीदवार रियाज पीरजादा भी शरीक। शहबाज शरीफ की इलेक्शन जीतने पर दोनों शख्सियात को मुबारकबाद। खित्ते की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। भावलपुर के हल्के एनए 172 से तारिक बशीर चीमा की वफ समेत चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। परवेज इलाही की जानिब से तारिक बशीर को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। मुलाकात के दौरान मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलेक्शन 2018 के वोटों की दोबारा गिनती केस का मामला। मुल्तान के हलका पीपी 270 से अवामी राज पार्टी के मोहम्मद अजमल खान और पीपी 271 से मोहम्मद आमिर करामत की जानिब से दायर दरख्वास्तों पर समाअत मुकम्मल। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर ने दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार की कल मुल्तान आमद। चीफ जस्टिस डिस्ट्रिक्ट बार और हाईकोर्ट बार का दौरा करेंगे। सदर हाईकोर्ट बार मुल्तान बेंच खालिद अशरफ खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, चीफ जस्टिस का मुल्तान आमद पर भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। पीटीआई के जलसों की रौनक। चाचा पीटीआई इमरान की जीत पर पुरजोश।
उच शरीफ के चाचा पीटीआई इमरान खान को मुबारकबाद देने साइकिल पर बनीगारा के लिए रवाना हो गए। चाचा पीटीआई का कहना है कि इमरान खान अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। जमात इस्लामी भावलपुर डिवीजन के इजलास में इलेक्शन के नतज में नाकामी का जायजा लिया गया। इजलास में जमात इस्लामी पंजाब के नायब अमीर डॉक्टर सैयद वसीम अख्तर समेत तीनों इजला के कौमी और सूबाई उम्मीदवार और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। कमिश्नर मुल्तान नदीम इरशाद कयानी का नश्तर टू मंसूबे का जायजा। कमिश्नर कहते हैं नश्तर अस्पताल में मरीजों का दबाव कम करने के लिए फेज टू का आगाज किया गया। टेक्निकल कमेटी को अस्पताल के डिजाइन के हवाले से हिदायत जारी की। पीएचई की गफलत, इलेक्शन खत्म होने के बावजूद टीजी खान की गलियों और शाहराओं में लगे सियासी जमातों के बैनर्स और पैनाफ्लेक्सेस उतारे ना जा सके। शहरी इंतजामिया की कारकर्दगी से मायूस दिखाई दिए। और सखी सर्वर के मकीनों के लिए खुशी की खबर, दो साल से बंद वाटर सप्लाई स्कीमों को फाल करने के लिए तीन नए ट्रांसफार्मर ग्रिड स्टेशन पहुंचा दिए गए। ट्रांसफार्मर्स की तंसीब का काम भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा।